पुलिस स्टेशन से निकल चुके हैं। यहाँ पे अपनी सारी चीजें यू नो बहुत सेफली रखना पड़ता है गाइस, बहुत सेफली रखना पड़ता है। इवन आप पासपोर्ट भी सही से लेकर नहीं घूम सकते, कि कब कौन लेकर यहाँ पे भाग जाएगा पता नहीं। पूरे 10 दिन फ्रांस में रहने के बाद आज जा रहे हैं हम इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। आई डोंट नो कैसा होगा, बट आई होप कि वो अच्छा हो। मैं खाना बहुत मिस कर रही हूँ, घर का बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव भी नहीं कर सकती। हमें मिल गया है इंडियन रेस्टोरेंट, चलो खाते हैं। फाइनली आई एम वेरी एक्साइटेड, अंदर जाकर देखती हूँ क्या क्या खाने को है। रुको जरा, सबर करो। मैं तो यहाँ पे आई थी इंडियन रेस्टोरेंट समझ कर, बट ये हमारे साथ स्कैम हो गया। ये इंडियन के नाम पे यहाँ पे साउथ इंडियन वाले हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। थैंक यू सो मच भैया, वी आर सो हैप्पी खाना देखकर। अभी मैं तो बोलूंगी ब्लॉग बंद करके पहले खाना खाते हैं गाइस। इतनी जोर से भूख लगी है ना, बहुत ज्यादा जोर से लगी है। मेरे लिए भी निकाल दो। क्या खा रही हो सना, सेक्सी लग रही हो खाते वक्त। दाल चावल मिल गया ना। ये फ्रांस का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे सारे गरीब लोग बैठे हैं। गरीब लोग और दो अमीर लोग जा रहे हैं। तो अंकल बहुत अच्छे ब्रेड वाले, उन्होंने हमें बहुत बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने हमें बोला कि यू हैव टू स्टैंड हियर, विल लेट यू नो कि तुम्हारी ट्रेन कौन सी है। हम लोगों को सीट नंबर बताया कौन सा है, हमको कोच कौन सा है। जो हमें वहाँ पे अंकल मिले थे स्टेशन में, उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइड किया। और उन्होंने हमें बोला अगर आप वहाँ पे उतरोगे, अगर आपको कोई भी बोलेगा कि मैं ड्राइवर हूँ, तो आप मत बैठ जाना ऐसे किसी की भी कार में, टैक्सी वैक्सी समझ कर। आप वहाँ पे जाना, आप नॉर्मल टैक्सी जो है आपको टैक्सी लेना, या फिर आपके पास ऊबर है आपको ऊबर लेना। तो उन्होंने बोला वाओ यार, मतलब कहीं कहीं स्वीट लोग होते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया, थैंक यू सो मच। यहाँ से पेरिस बाय ट्रेन 4 आवर। मतलब बाहर कंट्री में आकर मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करती कि फ़्लाइट से घूमना इजी रहेगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा व्यू और ये सारी चीज़ें नहीं देख पाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 घंटे सो जाऊँगी, 4 घंटे का। मैं 4 घंटे मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, मैं थोड़ी देर देख सकती हूँ व्यू, उसके बाद ये अंधेरा हो जाएगा। बेटर है सोना, बेटर आ जाऊँगा, रिटर्न भी आना है। एंड रिटर्न आने के बाद हमारी रात की फिर से फ्लाइट है, वो भी 9 आवर्स की। ओह माय गॉड, वेयर इज योर टिकट? दे डोंट हैव टिकट। शी डोंट हैव टिकट, आई डू हैव। पुलिस। आई डू हैव टिकट बट शी डोंट हैव टिकट। नो नो, आई हैव ओनली वन माय टिकट। पुलिस। What time we have to reach? It's 9 o'clock, right? For Paris? Yeah. Oh, well. ओके गाइस, तो अभी हम लोगों को एक नया चीज मिला है। मतलब यहाँ पे नया नहीं है गाइस, मतलब यहाँ की ट्रेन में बार हम लोग को नहीं मिला है। सो हम अभी आपको वो बार दिखाने वाले हैं। सो गाइस, हियर इज अ बार एंड अ फूड काउंटर। चेट्स पे नहीं होता, यहाँ पे पानी यूज़ नहीं करते, यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। बट यू नो हम इंडियन हैं, तो हमें तो मतलब सेटिस्फेक्शन पानी में ही मिलना है। तो अर्शी ने क्या किया, अर्शी एक बॉटल वो एयरपोर्ट से पूरा कैरी कर लेकर आई है। वो बॉटल ही यूज़ करती है और मुझे कहती है कि ब्रो हम आ तो गए हैं बहुत ही फॉरेन कंट्री में, फॉरेन से जगह में, बट पानी के बिना ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। पर जब बाथरूम जाती हूँ ना तो बोल ले पहले, कृपया आपने बॉटल दिखाए। अर्शी तुम तैयारी के साथ आ रही है जो भी है ना अर्शी? ऑफ कोर्स यार, आना पड़ेगा ना।
ये वॉशरूम के बारे में मुझे कुछ बताना है। मैं कब से पानी के लिए प्रेस कर रही थी कि पानी कैसे आएगा नहीं मालूम पड़ा। ठीक है, मैंने हाथ ऐसा कर लिया, ये कर लिया, मैंने सब कर लिया, बट मुझे नहीं समझ आया। एंड देन मुझे दिखा कि नीचे अगर मैं यहाँ पे ऐसे प्रेस करूंगी देन यहाँ पर पानी आएगा। सी प्रेस एंड लाइक पानी, और ये फ्लश का ऑप्शन मुझे लगा यहाँ पे प्रेस करूंगी देन आएगा, बट यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो होगा। तो आप लोग कभी भी आओ तो इसका ध्यान रखना। A few inches later, बस 15 मिनट में पहुंचने वाले। इतनी खुशी मुझे आज तक। इतनी ठंडी कि मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओह गॉड, मैं बहुत 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 ज़्यादा ठंडी है, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मतलब बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ओह वाह, I like this church statue भी नहीं बोल पा रही, statue हो गया। यहाँ पे 3 degree है, 3 degree, imagine हमारी हाल क्या हो रही है। इतनी ज़्यादा ठंडी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरा हाथ इस वक्त इतना ज़्यादा ठंडा है, अगर मैंने किसी को टच कर लिया वो बोलेगा बर्फ लगा दिया है मुझे। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। So guys, we reached the hotel और अभी हम check-in कर रहे हैं। check-in करने के बाद हमें रूम में जाना है। Finally! स्वागत है आपका हमारे घर पे, सिर्फ एक दिन वाला। छोटा सा वॉशरूम है, बहुत ही क्यूट वॉशरूम है। ये हमारा प्यारा सा बेडरूम, और ये हमारा कपड़ा हैंग करने के लिए हमारा प्यारा सा कबर्ड है, और ये हमारा शावर लेने के लिए छोटा सा क्यूट सा बाथटब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा पेरिस में फर्स्ट डे है। इतनी ठंड की वजह से हम कल कहीं जा नहीं पाए, बट हमारे पास बहुत बहुत कम टाइम है, तो सबसे पहले अभी हमें उठ कर फ्रेश होना है, देन पेरिस घूमना है। मुझे इतना दिल था कि रात को मतलब आईफिल टावर देखना है, बट हमारे नसीब में नहीं है, तो अभी जाके दिन में ही देख लेती हूँ। मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, बस अभी मैं अपना थोड़ा सा टिंट यूज़ कर रही हूँ अपने फेस में, एंड देन मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके रेडी हो जाऊंगी आईफिल टावर के लिए। हमारा यहाँ पे सिर्फ 4 घंटे वक्त है, 4 घंटे के बाद हमें जैसे भी करके आज रात 10 से 12 हमें होटल पहुंचना है कांस, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि हमारा नीस टू मुंबई फ्लाइट है, वो फ्लाइट छुटनी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अपने घर जाना है। What's up everybody? So finally, मैं पहुंचने वाली हूँ मेरी मंजिल में, और मेरी मंजिल क्या है आपको तो पता ही है, एंड वो मुझे सामने से दिख रहा है। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, हाय अपने प्यार के पास जा रही हूँ, रेड रेड पहन के, यू नो हमेशा डेट पर रेड पहन के जाते हैं ना, इसलिए मैं अपने लाइफ में कभी बॉम्बे में अकेले कभी रेस्टोरेंट या कहीं नहीं गई हूँ, और मैं फॉरेन कंट्री में अकेले घूम रही हूँ। गाइस इमेजिन, दिस इज वेरी 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 बिग डील फॉर मी। हियर इज माय डेस्टिनेशन। लेट मी आस्क समवन कि इसके अंदर कैसे जाते हैं। यहाँ पे 6 degree है, और बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है मुझे। ऑनेस्टली बताओ, मैं हर चीज़ से झगड़ा कर आ गई हूँ, गुस्से में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, गुस्से में अभी इतना ज़्यादा ठंडी लग रही है, मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने लाइफ में पहली बार अकेले निकली हूँ मैं कहीं, और हमें फॉरेन कंट्री में। इट्स वेरी 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 बिग डील फॉर मी। लाइफ में हमेशा इंसान को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे तो आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे गाइस। सो मैं सोची थी कि जब भी मैं आईफिल टावर आऊँगी तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आऊँगी, या मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ आऊँगी, और मैं ठीक आईफिल टावर के नीचे मैं उसे किस करूँगी, बट मेरा नसीब इतना ज़्यादा ख़राब है, मैं आईफिल टावर तो आ गई हूँ बट ना मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ, ना मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, और ना ही मैं अपने किसी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। आई फील सो बैड, मुझे थोड़ा सा रोना भी आ रहा है, बट ठीक है।
जैसे कि मैंने बोला कि मैं जब भी अकेले निकलती हूँ कहीं घूमने के लिए, बट अल्लाह ताला मुझे कभी अकेले नहीं भेजते, कोई ना कोई मुझे मिला देते हैं. सो आई मीट दिस क्यूटी क्यूटी गर्ल, वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव एनर्जी. सो आई रियली अप्रिशिएट. हेलो, I'm from India. Namaste. Namaste. Bonjour. Shukriya. यार बहुत बहुत प्यारे थे, बहुत मजे करते थे, बहुत ही ज़्यादा. Bye cutie. Bye, see you soon. It was really nice meeting you. Yes. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आईफिल टावर देखकर अकेले, और सबसे अच्छा लगा मुझे कि मैं अकेले इतना अच्छा टाइम स्पेंड की हूँ. मेरे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा अमेजिंग था और मैंने बहुत मज़े किया यहाँ पे. आपने ये व्लॉग देखकर बहुत इंजॉय किया होगा, आई होप सो. अभी अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मुझे इतना अच्छा व्लॉग बना नहीं आता, बट मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरे परिवार हमेशा मेरे साथ घूमे, मेरे साथ रहे और सारी चीजें देखे. आई लव यू ऑल, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए. आई लव यू सो मच. अगर आप सबको अच्छा लगा प्लीज डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट. लव यू ऑल.